है जनपद अमेठी से, जिले के अंतर्गत बेटुआ ब्लॉक के बंदोई ग्राम सभा में कांग्रेस कार्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्ति युवा बच्चे मौजूद रहे। प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष कांग्रेस प्रदीप सिंह, युवा कांग्रेस नेता अयुष त्रिपाठी, अनिल त्रिपाठी, MLC दीपक सिंह आदि भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट धर्मेश तिवारी, खास रिपोर्ट। मैं उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के बेटुआ ब्लॉक के अंतर्गत बंदोइया ग्राम में मौजूद हूँ। हमारे बीच अमेठी जिले के जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप सिंह दल जी, MLC दीपक सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर एक नए कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आइए जानते हैं इस विषय में। सिंह दल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी या अन्य पार्टी का भी साथ होगा? हमने जोर शोर से अपने दम पे और कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ेगी। हमारी पूरी टीम हर एक ब्लॉक स्तर पर तैयार हो गई है। ग्राम पंचायत स्तर की भी कमेटियाँ बन गई हैं और ग्राम स्तर की तैयारियाँ चल रही हैं। पूरे प्रदेश में प्रियंका जी और अजय कुमार जी के नेतृत्व में पूरा संगठन तैयार हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर बूथ तक कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उसके बाद भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का इतना खराब प्रदर्शन क्यों? अभी तो कहा हुआ तो सब जगह टीमें तैयार हुई हैं, आने वाले 22 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं और जान भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश से बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हैं, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार, क्योंकि इतने टाइम जो सरकार भाजपा की सरकार है, इन्होंने जो जो वादे किए थे वो एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। रोजगार हमारा जो भी युवा साथी है सब बेरोजगार है, और जो उन्होंने नौकरी देने का वादा किया था वो नहीं हुआ, और जिस तरह पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की जो रेट थे आज वो डेढ़ से ज़्यादा हो गए हैं। महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि सबका बजट बिगड़ गया है और कोई भी काम इस तरह का नहीं हुआ, जो कि ये आगे सरकार में आने का काम करना है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधीकरण को लेकर किस तरह का संदेश आप सरकार पर पहुँचाना चाहेंगे? अभी सरकार जो भी है जिससे नारी सुरक्षा या जो भी महिलाओं की सुरक्षा है उसमें भी नहीं खड़ी होती। आए दिन बलात्कार और घटनाएँ होती रहती हैं, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो कि भाजपा उसको सही तरह कह सके कि ये हमारे राज्य में हुआ है। जितने भी इन्होंने वादे किए थे सारे इनके वादे कोई भी पूरे नहीं हुए हैं। जनता समय आने पर इसका जरूर वोट जमा। बस रखा होगा।